अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अतीक। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जीटी उर्दू। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को गूगल एडसन के अकाउंट को कैसे वेरीफाई करवाते हैं ये बताने वाला हूँ। आप लोगों को जो है बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी इंटरनेट पे गूगल के एडसन को कैसे वेरीफाई करवाते हैं, लेकिन दोस्तों वो वीडियो अभी जो है पुरानी हो चुकी है। अभी गूगल एडसन ने अपने गूगल एडसन अकाउंट में बहुत सारी चेंजिंग कर दी है, जहाँ पर जो अभी अप्रूव करवाने के लिए आप लोगों को कुछ और चीज़ों की भी जरूरत पड़ती है। पहले तो जो है वो पिन की जरूरत पड़ती थी, अभी जो है कुछ और चीज़ें ऐड कर दी हैं गूगल एडसन ने। तो अभी जो है न्यू मेथड के साथ 2018 में जो है कैसे अपने गूगल एडसन के अकाउंट को कैसे वेरीफाई करवाते हैं ये आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीका है, वो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे बिल्कुल जो है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, तो आप वहां पे क्लिक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों जल्दी से आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों को हमारा जो है होम पेज वो यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर ये देखिए 16.23 जो डॉलर है हमारे अकाउंट में हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है रेड कलर की एक पट्टी नजर आ रही है आप लोगों को। यहाँ पर ये बोल रहा है अपनी वेरीफाई करवाएं अपने एड्रेस को, जो आपने एड्रेस दिया अपने गूगल एडसन अकाउंट में। तो यहाँ पर अपने एक्शन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए मैं सिंपल इस पे क्लिक करता हूँ, ये क्या करेगा पिन का ऑप्शन देगा, लेकिन पिन जो है अभी मुझे मिली नहीं है। अभी तकरीबन एक माह पहले भी मेरी मोनिटाइजेशन इनेबल हुई है पूरा साल वेट करने के बाद। तो अभी जो है $16 हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है अभी पिन का ऑप्शन भी मिल गया है, तो यहाँ पर जो है एक और ऑप्शन भी आ रहा है, तो ये अभी ओपन हो जाए तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओके तो दोस्तों ये देखिए आप लोगों के सामने जो है पेज ओपन हो चुका है अपना पिन वेरीफाई करवाने के लिए। यहाँ पर जो आपको पिन मिलेगी वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये तो पुरानी बात है, हर किसी को पता है, बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं। तो ये ओल्ड तरीका था जो मैं पुराना तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अब जो है वो नया तरीका कौन सा डाल दिया है गूगल एडसन ने, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर ये देखिए थोड़े दिन पहले जो मुझे ईमेल मिली है, जब मेरे $16 हो चुके थे उसके एक दिन बाद जो है मुझे वो वेरीफिकेशन करने का ऑप्शन मिल गया था और साथ ही मुझे ईमेल मिल गई थी। यानी कि ये बोल रहा है कि भाई अपनी जो है वेरिफिकेशन करने के लिए जो है अपनी किसी भी गवर्नमेंट की जो डॉक्यूमेंट है, आपके कोई पेपर हैं यानी कि पासपोर्ट, ये देखिए आप लोगों के सामने पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। यहाँ पर जो है किसी ऑप्शन को भी चूज करके जो है अपने गूगल एडसन के अकाउंट को वेरीफाई लाजमी करवा लें। तो ये जो है अभी लाजमी हो गया है, तो ये आप लोगों को वेरीफाई जरूर करवाना पड़ेगा। तो ये आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर आपको पेमेंट में जाने के बाद, ये देखिए। तो ये देखिए अब गूगल एडसन में जाएंगे, पेमेंट में जाएंगे, यहाँ पर जो वही आपको ओल्ड जो ऑप्शन मिल रहा है एक्शन पे क्लिक करके अपनी पिन वेरीफाई करवाएं, और उसके साथ एक और ऑप्शन मिल रहा है वेरीफाई नाउ यानी वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू रिसीव योर पेमेंट। तो यहाँ पर जो है आपको अपने आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइवर लाइसेंस के साथ जो है आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। पहले तो गूगल एडसन में ये ऑप्शन होता था कि पहले पिन के साथ ही अपना एड्रेस को वेरीफाई करवाते हैं, लेकिन अगर 3 बार पिन ना मिलने के बाद आप लोगों को जो है आइडेंटिटी कार्ड का ऑप्शन दिया जाता था। अब जो है ये डायरेक्टली 2 ऑप्शन दे दिए। यहाँ पर एक चीज क्लियर नहीं हुई है कि अभी यहाँ पर जो है मैं अपने आइडेंटिटी कार्ड के साथ जो है मैं अपने गूगल अकाउंट को जो है वेरीफाई करता हूँ और उसके बाद जो मुझे पिन की भी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो ये जो है अभी अप्रूव होने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं इसके बाद जो है दूसरी वीडियो बना दूंगा कि भाई ये मुझे जो है पिन की भी जरूरत पड़ेगी कि सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड के साथ ही काम चल जाएगा। तो ये मैं दूसरी वीडियो भी लाजमी बनाऊंगा ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो चुके। मैं भी कंफ्यूज हूँ कि ये मसला पता नहीं क्या है कि यहाँ पर 2 ऑप्शन दे दिए, या पहले तो ऑप्शन आते थे 3 बार अगर पिन आपको नहीं रिसीव होती है तो फिर जो है आपको आइडेंटिटी कार्ड के साथ वेरीफिकेशन होना पड़ता था। अभी इन्होंने 2 ऑप्शन दे दिए इकट्ठे ही कि वेरीफिकेशन करवाओ अपने पिन के साथ और अपने आइडेंटिटी कार्ड के साथ। तो दोस्तों अभी जो मैं वेरीफिकेशन करने वाला हूँ अपने आइडेंटिटी कार्ड के साथ, तो यहाँ पर जो मैं वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके जो अभी यहाँ पर मैं अपनी पिक्चर ले लेता हूँ जो मैंने स्कैन करवा कर रखी है आइडेंटिटी कार्ड की। तो आप भी ऐसे ही करें कि अपने आइडेंटिटी कार्ड को जो है वो स्कैन करवा लें ताकि रिजल्ट जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो उनको समझने के लिए जो है कोई किस्म की जो है मुश्किल पेश नहीं आती। तो अब यहाँ पर ये देखिए ड्राइवर लाइसेंस, वही पुरानी बात बता रहा है जो आपको मैंने अभी ईमेल पे दिखाई है, पासपोर्ट, नेशनलिटी, आइडेंटिटी कार्ड। तो यहाँ पर जो मैं नेशनल आइडेंटिटी कार्ड को ही चूज करने वाला हूँ, तो यहाँ पर अपलोड फोटो आईडी पे क्लिक करके तो यहाँ पर जो है अपनी आइडेंटिटी कार्ड की फोटो को आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं अपनी आइडेंटिटी कार्ड की जो पिक्चर है यहाँ पर इसको मैं ब्लर कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जो यहाँ पर इसको जो मैं हाइड कर दूंगा। यहाँ पर जो है आप लोगों को एक ही पिक्चर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, दूसरी पिक्चर आप यहाँ पर इसको जो है सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जो है ये अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद जो है अपने सिंपल इसको अप्लाई कर देना यानी सबमिट कर देना है। तो ये अपलोड हो रही है तो यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। ओके तो दोस्तों ये जो है अपलोड हो चुकी है, तो यहाँ से जो है हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहें तो। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों को एक ही पिक्चर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर एक ही पिक्चर में दोनों साइड लगा के जो है आप यहाँ पे अपलोड कर दें, तो नीचे आ जाता है आपका एड्रेस। तो यहाँ पर एड्रेस को भी मैं हाइड कर दूंगा और उसके बाद जो है आपने सीधा इसको सबमिट कर देना है, और उसके बाद जो आप लोगों ने इजीली इसको जो है कंफर्म इन्फॉर्मेशन पे आपने क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पर आप लोग ये देखिए वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पर अपने इसको गॉट इट पे क्लिक कर देना है। गॉट इट पे क्लिक करने के बाद जो है वहाँ पे आप लोगों को मेन पेज पे ले आएगा वापस वहीं पे,
तो यहाँ पर जो आप लोगों ने अभी देख लेना है कि आप लोगों को कोई ईमेल वगैरह आती है कि नहीं, तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ अपने ईमेल पेज को। तो फिलहाल तो यहाँ पर मुझे कोई ईमेल देखने को नहीं मिली, तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद या तकरीबन 7 से 8 घंटे के बाद मुझे जो है वेरिफिकेशन करके ईमेल दी जाए। ओके, तो दोस्तों मुझे ईमेल आ चुकी है, उसी टाइम ईमेल आ गई है मुझे एक। दोस्तों यहाँ पर मुझे ईमेल आ भी चुकी है, तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर जो है मेरी ईमेल मुझे मिल चुकी है। योर आइडेंटिटी हैज बीन वेरीफाइड, प्लीज साइन इन टू योर गूगल एडसन अकाउंट एंड सेट अप अ प्राइमरी पेमेंट मेथड इफ यू हैव नॉट डन टू ऑलरेडी। दोस्तों ये मुझे लगता है बोल रहा है कि भाई आपका जो है एडसन अकाउंट सक्सेसफुली जो है वो आइडेंटिफाई कर चुका है, यानी मेरा अप्रूव मेरे ख्याल में हो चुका है। तो यहाँ पर जो है मैं बैक जाके इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कि 1 मिनट के अंदर अंदर ही इसने मुझे जो है वेरीफाई कर लिया। पता नहीं ये शायद ये कंप्यूटराइज ये वेरीफाई हो रहा है, तो अभी मुझे पता चल जाएगा कि पिन का भी ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर पिन का ऑप्शन तो देखने को मिल रहा है और यहाँ पर नीचे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है आइडेंटिटी कार्ड की जो वेरिफिकेशन थी वो क्लियर हो चुकी है, वो जो है अप्रूव हो चुकी है। यहाँ पर आप लोगों को अभी दूसरा काम लाजमी करना पड़ेगा कि यहाँ पर अपनी पिन जो है वो आप लोगों को लाजमी आप लोगों को जो है वो वेरीफाई करवानी पड़ेगी। यहाँ पर ये देखिए वो ऑप्शन नहीं गया, या करंट यहाँ पर यू है योर पेमेंट आर करेंटली ऑन होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाइड योर एड्रेस। यहाँ पर जो आपको जो उसने वेरीफाई कर लिया है, आपको जो है आपकी आइडेंटिटी को उसने वेरीफाई कर लिया है, लेकिन आपके अभी एड्रेस को वो वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पर जो एक्शन पे अगर आपको पिन मिलती है तो एक्शन पे क्लिक करके आप उसकी पिन को इनपुट करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों के सामने ये देखिए कि मैंने जो है अपने आइडेंटिटी कार्ड के साथ जो इसको वेरीफाई कर लिया 1 मिनट के अंदर। तो आप लोगों के सामने ये दूसरा ऑप्शन जो है अभी वो नहीं गया, क्योंकि ये आप लोगों को लाजमी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को पिन से वेरीफाई लाजमी होना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर पिन नहीं मिलती है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर है वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। ओके, तो दोस्तों मैंने नेक्स्ट वीडियो को भी इसी वीडियो में ऐड कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि इस वीडियो को 2 पार्ट लेके आऊं, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से फिर समझ नहीं आनी थी। यहाँ पर मैंने जो है अभी अपने गूगल एडसन को पिन के साथ भी वेरीफाई कर लिया है, मुझे 3 महीने के बाद जो है अभी पिन मिली है। आप लोग पीछे जाके चेक कर सकते हैं कि वीडियो की डेट क्या थी और अब ये डेट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 महीने के बाद मुझे पिन मिल चुकी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर गूगल एडसन अपना यहाँ पर शो करवा देता हूँ। जैसा कि दोस्तों पीछे जो है मैंने आईडी कार्ड से इसको वेरीफाई किया था, वहाँ पर जो है पिन का ऑप्शन मुझे हमें मिल रहा था, पिन का जो है ऑप्शन हमें जा नहीं रहा था 2-3 महीने के बाद जो मैंने इसको वेरीफाई अभी किया 3rd मंथ में। अभी तीसरा मंथ स्टार्ट है, अभी 10 तारीख हो चुकी है, लेकिन मुझे पिन मिल चुकी है इस महीने में। यहाँ पर दोस्तों कन्फ्यूजन ये थी कि भाई अभी जो है हमने गूगल एडसन अभी हमारा जो है अप्रूव होने के लिए आया, हमारे $10 हो चुके हैं, अभी मोनिटाइजेशन इनेबल हुई है, अभी 5 माह पहले ही तो हमारी मोनिटाइजेशन इनेबल हुई है। तो उसके बाद हमें 2 ऑप्शन मिल गए थे देखने के लिए, एक आईडी कार्ड से वेरीफाई करने को बोल रहा था और दूसरा ऑप्शन आ रहा था पिन वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पे मसला ये था और कन्फ्यूजन यही चल रही थी कि भाई अब ये आईडी कार्ड से वेरीफाई करना है या पिन के साथ वेरीफाई करना है। और आईडी कार्ड से तो हमने इसको वेरीफाई कर लिया, लेकिन पिन वाला जो ऑप्शन था वो नहीं जा रहा था। मैंने बहुत यहाँ पे गूगल पे भी सर्च किया कि भाई ये ऐसे चला जाएगा कि पिन के साथ इसको वेरीफाई करना ही पड़ेगा। तो मुझे यही जवाब मिला बड़े बड़े सीनियर यूट्यूबर्स के, हमें जो है ये पिन के साथ वेरीफाई लाजमी करना पड़ेगा। तो मैं वेट करता रहा पूरा महीना कि मुझे अभी जो है पिन नहीं आई। 1 महीना वेट करने के बाद मैंने दोबारा इसको रिक्वेस्ट सेंड की गूगल एडसन को, तो दूसरा महीना भी ख़त्म हो गया, मुझे पिन फिर भी नहीं मिली। लेकिन तीसरी मर्तबा मैंने फिर उनको जो है वो रिक्वेस्ट भेजी, तो तीसरी दफ़ा रिक्वेस्ट भेजने के बाद जो है 7 दिन के बाद मुझे पिन जो है अभी मौसूल हो चुकी है। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने थोड़े स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए कि भाई वाकई पिन के साथ इसको वेरीफाई करना है और पिन मुझे जो है वो तीसरी दफ़ा मिल चुकी है। यहाँ पर मैं जो है अपने गूगल एडसन को यहाँ पर मैं शो करवा लेता हूँ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर पीछे आप देखेंगे यहाँ पर $16 अर्निंग थी और तो अभी जो है 45 हो गई है, तो कल जो है ये अपडेट और हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि अभी जो है पिन और आईडी कार्ड के साथ दोनों के साथ ही आप लोगों को वेरीफाई करना लाजमी पड़ेगा। अगर आप लोगों की 3 महीने के बाद आपको पिन नहीं मिलती, यानी 3 दफ़ा रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप लोगों को पिन नहीं मिलती, तो आप लोगों को दोबारा से आईडी कार्ड के साथ आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। चाहे आप अपना पासपोर्ट या आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो उसका पासपोर्ट या उसकी आईडी जो आईडी कार्ड होता है, या फिर आपका टेलीफोन बिल, कोई भी बिल जो आपके घर आता है आपके एड्रेस पे, उस एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट जो है आपको ओरिजिनली लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 3 बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी अगर पिन नहीं मिलती तो दोबारा से आप लोगों को आईडी कार्ड के साथ वेरीफाई करना पड़ेगा, वही आईडी कार्ड के साथ जो आपने पहले जो है उसको आईडी कार्ड के साथ वेरीफाई किया है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन ये दे रहा होता है कि एक जो हमने पहले इसको आईडी कार्ड के साथ वेरीफाई किया है वो था हमारी अपनी पहचान के, भाई जो बंदा गूगल एडसन पे अकाउंट बना रहा है या जो
या फिर जो यूज़ कर रहा है वो असल में वही बंदा है, तो वो आपको आईडी कार्ड के ज़रिए आपको वेरीफाई कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो आपको पिन का ऑप्शन मिल रहा होता है, ये दोस्तों आपका अपना एड्रेस होता है जिसके ऊपर आपकी अर्निंग आनी है और आपने जो लेने जाना है वो आपका अपना वो एड्रेस उसको वेरीफाई करना है। पिन जो है आपके अलग रूल को यूज़ कर रही होती है, वो उसको फॉलो कर रही होती है कि वो आपके एड्रेस को वेरीफाई कर रही होती है पिन। और जो आईडी कार्ड होता है वो आपको वेरीफाई कर रही होती है कि जो यूज़र है वो असल में कोई फेक वगैरह तो नहीं है जो गूगल एडसन को यूज़ कर रहा है, अपने दो दो तीन तीन अकाउंट यहाँ पर लोग बना रहे हैं तो इसलिए जो है वो उसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्त जो है वो सेल भी कर देते हैं बना के, तो यहाँ पर इसलिए वो उनको वेरीफाई कर रहा होता है उनके आईडी कार्ड से कि भाई ये बंदा वाकई में ओरिजिनल है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं कि ये आपको भी वेरीफाई करता है और पिन के ज़रिए आपके एड्रेस को वेरीफाई करता है। अगर आपको पिन नहीं मिलती आपके एड्रेस पे तो फिर आपके जो है टेलीफोन वगैरह का बिल जो है या इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसके ऊपर तो आपका एड्रेस होता ही है, तो या फिर उस डॉक्यूमेंट के साथ जो है इसको वेरीफाई कर लेता है या आपकी आईडी कार्ड या आपके पासपोर्ट के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर करना चाहता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर मुझे जो रेड कलर का पहले ऑप्शन आ रहा था कि एक्शन यहाँ पर लिखा आ रहा था, वहाँ पर अब ये एक्शन नहीं आ रहा क्योंकि मुझे पिन यहाँ पर मिल चुकी है और मैं इसको यहाँ पर अप्रूव कर चुका हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को पहले स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ जो मैंने तस्वीरें उसकी लेके रखी हैं अपने लेटर की। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो मुझे गूगल एडसन यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये मैंने स्कैन करके अपने कंप्यूटर में सेव कर ली हैं। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर गूगल एडसन आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये लेटर जो है मुकम्मल मुझे यहाँ पर शो हो चुका है, ये आप लोग देख रहे हैं कि ये लेटर मुझे मिल चुका है। और यहाँ पर मैं अपने एड्रेस को यहाँ पर हाइड कर दूंगा और यहाँ पर एक QR कोड है वो उसको भी मैं हाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं कि लेटर मुझे मिल चुका है। तो इसका जो मैं फ्रंट साइड यहाँ पर पिन होती है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए दूसरी पिक्चर भी आप लोग देख सकते हैं कि गूगल एडसन योर गूगल एडसन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मुझे ये पिन मिल चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पिन जो है आप लोगों को अब पता ही होगा कैसे डालनी है, अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो दोस्तों वीडियो देख लिए, मैं ये पहले ही डाल चुका हूँ। क्योंकि मैंने इसको क्यों डाला था दोस्तों, यहाँ पर जो है ज़रूरी ये था कि तीन दफ़ा पहले इसको रिक्वेस्ट कर चुका था, तो मुझे अब ये समझ नहीं आ रही थी कि भाई ये जो पिन है ये पिछले वाले मंथ की आई है या किस मंथ की ये पिन आई है, तो मैं ये देखना चाहता था। तो इसलिए मैंने जो है अपने गूगल एडसन में जाके इसको डाला मैंने चेक करने के लिए कि भाई ये अप्रूव करता है कि नहीं। तो जैसे ही मैंने इसको पिन को डाला तो इसने अप्रूव कर दिया था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो दोस्तों अगर आप लोगों को तीन बार अगर रिक्वेस्ट कर चुके हैं तो तीनों में से कोई भी अगर आप लोगों को पिन मिल जाती है तो वो यूज़ हो जाएगी, चाहे वो फर्स्ट मंथ वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली, इन तीनों में से कोई भी आपको पिन आ जाती है तो वो तीनों ही वर्क करेंगी। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है या फिर आपके माइंड में कोई ऐसी बात है कि भाई ये तीनों वर्क नहीं करती तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें हमारी वीडियो में ताकि हमें भी समझ आए कि भाई आपको वीडियो कि भाई आपको वीडियो में क्या चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लगती या अच्छी लगती है। तो दोस्तों यहाँ तक मुझे लगता है कि भाई तीनों पिन ही यूज़ हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को दूसरा प्रूफ दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैं आप लोगों को ले जाता हूँ गूगल पेमेंट में। तो यहाँ मैं इसको न्यू विंडो में ओपन कर लेता हूँ। ओके तो दोस्तों ये मैं पेमेंट में आ गया हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा ये लोडिंग लेगी। ओके तो दोस्तों ये देखिए लोड हो चुकी है। तो यहाँ पर भी वही मुझे $45.10 दिखा रहा है कि मुझे अभी जो है वो $100 नहीं हुए, उससे पहले जो है मैं पेमेंट नहीं ले सकता। तो यहाँ पर मैंने अपने वेस्टर्न यूनियन का जो है वो पेमेंट मेथड जो है वो सेट कर दिया है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों के सामने है कि भाई अभी $45 नहीं हुए और यहाँ पर जो है मुझे पेमेंट का कोई भी इशू नहीं नज़र आ रहा कि भाई हमारा अभी गूगल एडसन अप्रूव नहीं है। यहाँ पर रेड कलर की जो पट्टी आ रही थी वो अभी यहाँ पर पेमेंट में आपको दिखती थी कि भाई आपके भाई अपने गूगल एडसन को जो है अप्रूव करने के लिए पिन डालें। तो यहाँ पर अब कोई भी मैसेज यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो ईजिली कोई भी यहाँ पर कोई मैसेज शो नहीं हो रहा कि यहाँ पर एक्शन का बटन जो आ रहा था वो अब नहीं है कि अभी मैंने पिन डाल दिया है और मेरा जो है गूगल एडसन अभी भी जो वो अप्रूव हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात क्लियर करना चाहता था कि भाई आईडी कार्ड और पिन इन दोनों के साथ वेरीफाई करना लाजमी है। इन दोनों में से अगर एक भी आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपका जो है वो प्रॉपर तरीके से आपका जो गूगल एडसन है वो अप्रूव नहीं होगा, तो आप अपनी पेमेंट नहीं ले सकते। यहाँ पर पिन और अपनी आईडी कार्ड दोनों से ही आपको वेरीफाई लाजमी करना पड़ेगा। ये जो है अभी इनका न्यू रूल आ चुका है, तो दोस्तों ये उनको फॉलो करना है। ये हमारे फायदे के लिए कि जो लोग तीन तीन चार चार अकाउंट बना के खुद भी यूज़ करते हैं या दूसरे लोगों को सेल कर देते हैं अप्रूव करके पिन वेरीफाई करके, तो वहाँ पर जो है अभी गूगल एडसन ने बोला है कि भाई अपनी आइडेंटी लाजमी वेरीफाई करें अपने आइडेंटी कार्ड के साथ और पिन से भी लाजमी वेरीफाई करें। यहाँ पर बहुत ही चांसेस कम हो जाते हैं अपने फेक अकाउंट बना के बेचने के लिए।
यहाँ पर अभी गूगल एडसन जो है वो थोड़ी सख्ती कर दिया कि अभी आप दो नंबर काम जो है वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो दोस्तों एक कमेंट करके हमें अपना फीडबैक जरूर दिया करें, एक कमेंट लाजमी किया करें कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये आपके लिए फ़ायदेमंद थी, और वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कर दिया करें ताकि हमें पता चले कि भाई आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। ऐसे हमें पता ही नहीं चलता कि भाई ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है या आप लोगों ने देखी भी है, पूरी देखी है कि नहीं देखी, हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करें, और लाइक करके हमें पता चल जाता है कि भाई आपने अगर ये वीडियो को हमारी को लाइक किया है तो जाहरी बात है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।